के दिखता है, जहां जहां माउस पॉइंटर को लेके आती है। डॉट द डॉक्ड व्यू मैग्नीफाई ओनली अ पोर्शन ऑफ स्क्रीन एंड डिस्प्ले इट ऑन द टॉप। डॉट क्या करता है, डॉट आपकी जो स्क्रीन का टॉप स्क्रीन पे टॉप में आपको जूम करके दिखाता है, बाकी जो पार्ट है आपके स्क्रीन का वो स्टेबल रहता है, बस उसी को ऊपर टॉप पे स्क्रीन को जूम करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। नरेटर ओपन करने का तरीका वही है, आप अभी आपने मैग्नीफायर किया था, अब उसके बाद नरेटर को ऑन करेंगे। नरेटर क्या होता है, नरेटर अब बेसिक स्क्रीन रीडर दैट कैन रीड इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। नरेटर क्या होता है, जो स्क्रीन है उसको रीड करता है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए। उसके बाद है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपकी स्क्रीन सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा, आप उसको माउस पॉइंटर को ले जाके कीज को क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, उससे आपकी जो कीबोर्ड है वो वर्क करेगा। सेटअप हाई कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट एम्पलीफाइज द कलर कंट्रास्ट ऑफ सम टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू रिड्यूस आई स्ट्रेन एंड मेक्स द आइटम मोर डिस्टिंक्ट एंड इजियर टू आइडेंटिफाई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग स्क्रीन पे कुछ आइटम्स हैं, कलर वगैरह के समझ नहीं सकते, देख नहीं पा रहे हैं, तो कलर कंट्रास्ट क्या करता है कि कलर को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे कि जो चीजें हैं वो अलग अलग एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं और पढ़ने देखने में समझने में आसानी होती है। एक्सप्लोर ऑल सेटिंग्स यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले, दिस सेटिंग हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग द सेटिंग फॉर अ पर्सन हु इज ब्लाइंड और हैज सेवरली इंपेयर्ड विजन। ये जो ऑप्शन है वो मेनली ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है, और हमने अभी ऊपर सारे ऑप्शन को इनको देखा ही था। नेक्स्ट है मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी, दिस सेक्शन हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द सेटिंग फॉर विजुअल डिस्प्ले बिसाइड कंटेनिंग ऑप्शंस लाइक चूजिंग अ हाई कंट्रास्ट थीम, टर्न ऑन नरेटर, टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड टर्न ऑन मैग्नीफायर। इन सब का हम यूज कर चुके हैं, आप सेटिंग्स में जाके इनका और यूज करके देख सकते हैं। Use the computer without a mouse or keyboard. This section helps in setting alternatives for input devices. Window provide two features as alternatives for the common input devices mouse and keyboard, which are speech recognition and on-screen keyboard. Speech recognition क्या होता है? ऐसे डिवाइस जो आपकी बात को आप जो आप बोल रहे हैं उसको समझ के उसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपने अभी देखा ही था। मेक द माउथ इजियर टू सी, इजियर टू यूज, इन दिस सेक्शन वी कैन मैनेज द सेटिंग ऑफ द माउथ और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। Make the keyboard easier to use. This section can be used to adjust the setting of the keyboard. हम keyboard की settings भी कर सकते हैं। कौन-कौन सी हैं? Turn on mouse keys. These options enables a user to use a numeric keypad instead of a mouse to move the mouse pointer. हम माउस पॉइंटर को मूव करने की जगह हम कीज को न्यूमेरिक कीपैड को ऑन कर सकते हैं।
जिससे कि कीपैड की हेल्प से माउस पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। Turn off sticky keys. Instead of pressing three keys at once, such as when we must press the Control, Alt, and Delete keys together to log off Windows, we can use one key by turning on sticky key and adjusting the settings. आपको पता है जब हम कोई key combination करते हैं तो हमें दो या तीन कीयों को प्रेस करना होता है, लेकिन कुछ लोगों को करने में अगर प्रॉब्लम है तो हम स्टिकी की को ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसको अगर आपने ऑन कर दिया तो आपको वन बाय वन कीज को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस ई करता हूं, लेकिन अगर मैंने इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया और ऑन कर दिया तो मुझे पहले कंट्रोल दबाना होगा, उसके बाद इसे छोड़ देना है, उसके बाद मुझे ई को प्रेस करना है, तो अपने आप का पूरा टेक्स्ट होल टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए हमें एक साथ नहीं करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल दबा दीजिए फिर ए दबा दीजिए, ऐसे ही जितने भी की कॉम्बिनेशन है आप उनका यूज कर सकते हैं। टर्न ऑन टॉगल की। टॉगल की इज आल्सो फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन व्हिच इज डिजाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट और कॉम cognitive disabilities. When toggle key is turned on, computer emits sound cues when the locking keys caps lock, numb lock or store lock are pressed. A high sound is emitted when the keys are switched on. एक तेज साउंड आपको सुनाई देगा जब आपने इनमें से कोई की को ऑन किया। एंड अ लो साउंड इज इमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ। और एक हल्का आपको साउंड सुनाई देगा जब आपने इसको ऑफ किया। फिल्टर की। फिल्टर की द फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर प्रीफ और keystrokes, making typing easier for people with hand tremors. इसमें क्या होता है? आपने देखा होगा कभी-कभी हमारा हाथ दबा रह जाता है कीबोर्ड पे और वो आगे उसी अल्फाबेट को प्रेस करता जाता है। ऐसे ही वो लोग होते हैं जैसे जब बहुत उनकी एज हो गई है और उनके हाथ कांप रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि आप एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि उतने के बाद इसकी प्रेस होगी, तो हम उन लोगों के लिए इसका यूज मेनली करते हैं जिनके हाथ वगैरह सही से वर्क नहीं करते। साउंड सैनिटरी इज डिजाइंड टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। साउंड सैनिटरी जेनरेट्स विजुअल वार्निंग such as blinking title bar or a flashing border whenever the computer generates a sound. आपने देखा होगा जब हम कभी भी कोई चीज कोई कमांड गलत करते हैं तो एक आवाज आती है कि गलती हमने की है। हम एक एग्जांपल में ले सकते हैं, हमने सपोज रन बॉक्स को रन कमांड चलाई और वहां पे हमने नोट पैड की जगह हमने एन ओ टी लिखा, जब आप उसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे तो एरर आएगा, साथ में आपकी जो स्क्रीन है उसमें टाइटल बार हो सकता है या पूरी स्क्रीन हो सकती है वहाँ पे ब्लिंक करके दिखाई देगी, आपको ब्लिंक करती है। तो साउंड सैनिटरी में क्या होता है, साउंड सैनिटरी में ये होता है कि आपने कोई गलत कमांड दी, कुछ तो कोई साउंड आ रहा है तो साउंड की जगह वो साउंड जब आएगा तो वो आपको स्क्रीन को ब्लिंक करके दिखाएगा। इस दो ऑप्शन को आप देख सकते हैं और बहुत सारे इसी के अंदर और भी ऑप्शन होंगे, उनका अपने वन बाई वन एक एक करके सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज हमने प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल इसी का एक प्रैक्टिकल और आपको वीडियो बना के दी जाए तो
हम इस कमेंट बॉक्स में जरूर